गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 6 में हमने मैंने पहले आपको उपसर्ग बताए थे, उपसर्ग के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है। उपसर्ग और धातु रूप भी करवाए हैं। अब मैं आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखवाऊंगी। जैसे आप लोगों ने हिंदी में प्रार्थना पत्र पढ़ी है, अब आप लोगों ने फिफ्थ तक संस्कृत की प्रार्थना पत्र नहीं देखी होगी, आपकी संस्कृत नहीं थी फिफ्थ क्लास तक। अब मैं आपको सिक्स्थ में संस्कृत में प्रार्थना पत्र आपकी संस्कृत में लिखनी आएगी, ठीक है। तो मैं संस्कृत में आपको प्रार्थना पत्र बता रही हूँ। अब आज हमारे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश हमें छुट्टी दी उसके लिए प्रार्थना पत्र है। अब जो मैं प्रार्थना पत्र लिखवा रही हूँ, आप अवकाश के लिए भी कर सकते हैं, और जैसे हम बीमार हो जाए फिर हमें प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं सेवा में, हिंदी में अपन लिखते हैं ना सेवा में, वैसे संस्कृत में क्या लिखेंगे? सेवा याम। क्या लिखेंगे? सेवा याम। इसका अर्थ क्या होता है? सेवा में, ठीक है। श्री मंत्र है, जैसे हिंदी में आप लिखते हैं ना श्रीमान, वैसे ही संस्कृत में क्या लिखते हैं? श्री मंत्र है। Thank you.
एक बार आपको वापस